स्वर्गीय सेठ राय बहादुर गुर्जरमल मोदी की 48वीं पुण्यतिथि पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। मोदी नगर के संस्थापक स्वर्गीय सेठ राय बहादुर गुर्जरमल मोदी की 48वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रेलवे रोड स्थित मोदी हॉस्पिटल में किया गया। ज्ञात हो कि मोदी नगर के प्रमुख नागरिक, इंडस्ट्रियलिस्ट और समृद्धि के सर्वोत्तम स्रोत के रूप में मशहूर स्वर्गीय सेठ गुर्जरमल मोदी गुर्जर की पहचान है और उन्हीं के नाम पर शहर का नाम मोदीनगर रखा गया। समाज के प्रति अपने अद्वितीय सेवा भाव के लिए जाने जाने वाले सेठ गुर्जरमल मोदी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक विशेष पहल के साथ समर्पण के रूप में इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं उमेश मोदी ग्रुप तथा मोदी हॉस्पिटल की टीम के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें मोदी ग्रुप के CEO NP बंसल, GMDD कौशिक, नवल किशोर गुप्ता, रामवीर सिंह, डॉक्टर हर्षित अग्रवाल, दिलावर रावत, नागभट्ट पोसवाल, सचिन कुमार आदि उपस्थित रहे। इस नेत्र जांच शिविर में लगभग 170 मरीजों को निशुल्क जांच की गई तथा लगभग 20 मरीजों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन निर्धारित किया गया, जो कादराबाद स्थित डॉक्टर LK गांधी श्रॉफ इंस्टीट्यूट में संपन्न किए जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल से दिलावर रावत हूँ। आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं स्वर्गीय सेठ राय बहादुर गुर्जरमल साहिब की 48वीं पुण्यतिथि में तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। इस अवसर पर आज उमेश मोदी ग्रुप के साथ मिलकर हमने यहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें कि नेत्र चिकित्साएं एवं नेत्र जांच की जाएंगी। इस कैंप में जो हमने यहाँ पे कैंप किया है, इसमें लगभग 170 के करीब पेशेंट देखे जा चुके हैं और उनमें से 20 के करीब ऐसे पेशेंट निर्धारित किए गए हैं जिनको किसी प्रकार की आई सर्जरी की आवश्यकता है। इन सभी पेशेंट को नवनिर्मित हॉस्पिटल जो हमारा IDST कॉलेज में डॉक्टर LK गांधी श्रॉफ आई इंस्टीट्यूट का अभी स्थापना की गई है, वहां पे इनका चिकित्सा किया जाएगा। वहां पे उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि वो पुनः अपनी दृष्टि को प्राप्त कर सके। और इस अवसर के लिए मैं पुनः जो है उमेश मोदी ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि इतना बहुत ही शानदार कैंप उन्होंने आयोजित किया है। धन्यवाद।